अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुल्ताना रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी मीठी डिश बना रही हूँ जिसका नाम है चावल की खीर। बहुत थोड़ी सी बना के आपको बता रही हूँ मैं। ये 1 लीटर दूध है जिसे अच्छा गाढ़ा सा मैं गर्म करके रखी हूँ, और ये है चावल, इस कप से मैंने लिए हैं, इसे छोटा कप, ये देखिए है 60 ml है ये चावल, और ये 3 इलायची है, हरे इलायची, और ये थोड़े से बादाम हैं, और ये थोड़ी सी शक्कर है। शक्कर अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं अपन, खीर पकते वक्त अपन जब मैं डालूँगी, अगर आपको ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा, अब मैं तो अंदाज़ से थोड़ी सी रखी हूँ, अगर कम दिखी तो कम भी, अगर जिसको कम खाना है वो कम डाल लीजिए, जिसको ज़्यादा खाना है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी मैं इन सब को, ये खीर को, इसके चावल को मैंने भून के रखी हूँ, इसे है ना मैंने अच्छा धो लिया था, ये चावल को अच्छा धोई मैं, धोकर तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ ताकि उसका पानी सूख जाए। सूखने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, और थोड़े से बादाम, ये बादाम और ये चावल दोनों मिलाकर मैं ग्राइंडर करूँगी। देखिए बादाम और ये इलायची और ये चावल, ये पूरे एक साथ मैं दरदरे पीस लूँगी, बारीक नहीं, दरदरा पीसूँगी, उसके बाद फिर मैं खीर में डालते वक्त आपको बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक आधी गिलास पानी डाला था, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, और पहले से मैंने ऐसे अच्छे से गाढ़ा मैंने पका लिया था दूध को, फिर मैं आधी गिलास डाल कर दूध को पका ली हूँ। अब देखिए इस तरह चावल मैंने पीस लिया दरदरे से, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं। अब मैं इसमें डालती हूँ हिलाते हुए, चावल को स्लो पर रख के चावल इसमें डाल दें, बादाम और जो चावल मैंने पीसे थे इसे अच्छे से पका लें, धीमी आंच पर अच्छे से पका लें, इस तरह हिलाते हुए धीमी आंच पर, जब तक चावल गल ना जाए, अच्छी गाढ़ी सी नहीं हो जाए अपनी की, तब तक पकाते रहें। मैं आपको फिर ये पूरी होने के बाद आपको गाढ़ी फिर मैं बताऊंगी आपको किस तरह मेरी खीर तैयार हुई है। दोस्तों अगर मेरे चावल जब तक गले नहीं, मैं शक्कर नहीं डालूँगी, तब मेरे चावल गल जाएंगे तब मैं शक्कर डालूँगी अपने जायके के हिसाब से। आप भी आपके जायके के हिसाब से शक्कर डालिए चक्के, ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे चावल गल चुके हैं, अब इसमें मैं इस पॉइंट पर शक्कर डालूँगी, देखेंगे कितनी पड़ती है शक्कर, मैं तो थोड़ा सा कम 125 ml डाली हूँ, अब ये देखेंगे इसे कितनी शक्कर लगती है, ये घुलने पर मैं जो पता चलेगा शक्कर मैं आपको बताऊंगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इतनी टेस्टी होती है खीर, जब अपन फ्रिज में रख के खाएंगे तो आप बोल मुंह से नहीं छूटने वाली है, बार बार खाने को दिल करता है, इतनी टेस्टी बनती है, बे इंतहा बहुत अच्छी। मैं इसकी शक्कर चखूँगी अभी इस पॉइंट पर, थोड़ी मुझे कम लग रही है, थोड़ी मैं और ऐड कर लूँगी, ये और मैं इतनी डाल रही हूँ, फिर मैं देखूँगी। मेरे घर पे मीडियम शक्कर खाते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं आता हमारे घर में, किसी को भी पसंद नहीं आता ज़्यादा मीठा, मीडियम, कम ना ज़्यादा, बस मीडियम रहती है। अब आप लोग को जितनी लगती है उतना डाल लीजिए आप। देखिए मेरी खीर कितनी गाढ़ी भी हो चुकी है, दूध देखिए कितना मलाई साइडों में आ चुकी है, देखिए साइडों में भी पूरा। तो देखिए दोस्तों, मेरे चावल अच्छे से गल गए हैं, शक्कर भी बराबर है, हर चीज़ बराबर परफेक्ट है, देखिए गाढ़ी हो गई है, और ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, देखिए कितना अच्छा। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए, और भी गाढ़ी हो जाएगी, देखिए इतनी गाढ़ी है, और भी ठंडी होगी, और भी गाढ़ी होगी, और बहुत टेस्टी होगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके फ्रीज़र में से निकाल के बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी खीर तैयार हो चुकी है, एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल, ये देखिए मैंने इसे 1 घंटा फ्रिज में रखा है, ये अच्छी सी ज़बरदस्त टेस्टी खीर तैयार हो गई, बहुत आसानी से तैयार की हूँ मैं, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को। मैं अपने तरीके से बताई, आसान तरीके से बताई हूँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर बनाना, ज़रूर ज़रूर बनाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे दुआओं में याद रखना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर दूसरी रेसिपी के साथ मिलूँगी।